अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जिले के लिए चुनौती बनी पड़ी है। आए दिन जिले में तस्कर मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। अभी हाल ही में जिले में अवैध मादक पदार्थों के बड़े बड़े रैकेट पकड़ाए हैं। सोचने वाली बात तो यह है कि पुलिस की नाक के नीचे ही शहर में मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। पुलिस किसी का तो भांडाफोड़ कर देती है और कुछ हाथों से निकल जाते हैं, लेकिन अभी पुलिस की धरपकड़ जारी है। जीरन पुलिस ने एक ट्रक से पशु आहार के बीच छुपाकर ले जाया जा रहा 1 क्विंटल 11 किलो डोडा चूरा जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ परिवहन करने वालों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जीरन थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में जीरन पुलिस द्वारा 26 अगस्त को वाहन चेकिंग के दौरान राणा जी ढाबे के सामने जीरन प्रतापगढ़ आम रोड पर चेकिंग करते आरोपी दशरथ सिंह व सुमित और अभिषेक के संयुक्त कब्जे वाले ट्रक नंबर MP44HA0420 में पशु आहार के कदमों के नीचे 5 सफेद प्लास्टिक के कट्टों में भरे 1 क्विंटल 11 किलो डोडा चूरा एवं एक ट्रक मोबाइल वीवो कंपनी का जिसकी कीमत 17,000 ट्रक में भरा पशु आहार 340 कट्टे जब्त किया और प्रकरण में आरोपी दशरथ सिंह पिता रणजीत सिंह राजपूत उम्र 50 वर्ष निवासी बरखेड़ा थाना जीरन व सुमित उर्फ अभिषेक पिता नंदकिशोर शर्मा उम्र 18 साल निवासी बरखेड़ा को गिरफ्तार किया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध पृथक से अपराध पंजीबद्ध कर डोडा चूरा के स्रोत के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। थाना प्रभारी जीरन योगेंद्र सिसोदिया को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में डोडा चूरा जाने वाला है। सूचना से उसने पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया और फिर उसकी एक कार्य योजना बनाई गई और नाकेबंदी करके ट्रक नंबर MP44HA0420 को पकड़ा गया। उस कपड़े जो ट्रक था उसमें ये पशु आहार ऊपर से भरा हुआ था। जब उनको हटाया गया तो नीचे 5 कट्टों में करीब 1 क्विंटल 11 किलो अफीम का डोडे का चूरा बरामद हुआ है और उसमें बांसखेड़ा के 2 लोग, एक दशरथ और एक सुमित, उनको पकड़ा गया है। दोनों के खिलाफ NDPS के प्रकरण की कायमी थाना जीरन में की गई है, पूछताछ की जा रही है, न्यायालय में प्रस्तुत करके रिमांड लिया जाएगा और आगे की विवेचना की जाएगी। अभी क्या पहले भी ऐसे काम यही करते थे इसमें? अभी विवेचना हो रही है उसमें, ये रिकॉर्ड लेना और ये किस तरीके से कहाँ से आए थे, कौन लाया था इनको, किससे खरीदा था, किसको बेचने जा रहे थे, ये सब शामिल रहता है। तो अभी कल की घटना है, अभी विवेचना चल रही है, इसके बाद जैसा भी खुलासा होगा वो अवगत कराया जाएगा।